हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा ये कल हम बताए थे कि हम लोग का आज क्लास टेंथ का पॉलिटिकल साइंस का शुरू करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक भी क्लास नहीं हुआ था, ये आज फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू होगा। तो हम लोग समय को न गवाते हुए और सीधा हम लोग चलते हैं लाइव क्लास की ओर। तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाए। तो हम लोग का पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स, जिसको हम लोग बोलते थे नाइन्थ तक, एट्थ तक मेरा वह सिविक्स आया है, नाइन्थ में मेरा वह पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। तो फिर इसका लेसन नंबर एक को हम लोग देखते हैं। लेसन नंबर एक बोल रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी लेसन नंबर मेरा एक। तो लेसन एक आप लोग हेडिंग दे लीजिएगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, या आप उसको साझेदारी कहिए या उसी को भागीदारी कहिए। साझेदारी मतलब शेयर करना। आखिर लोकतंत्र में सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन, सत्ता का बंटवारा किस तरह से होता है, इस चीज को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर का नाम दे लीजिए लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी या साझेदारी, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे कि चैप्टर से ही मेरा पता चला है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो सरकार बनती है, जिसका गठन किया जाता है, उसमें जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनकी क्या भागीदारी होती है, वह किस तरह से अपना जो होता है उसमें सीट शेयरिंग करते हैं, यह सारा चीज को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर में को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसकी जो कुछ मूल बातें होती है, उस मूल बातें को देखते हैं, वह होता क्या। तो देखने से पता चला है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, लोकतंत्र को। फिर हम लोग देखेंगे सत्ता को, कि सत्ता होता क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे भागीदारी या साझेदारी। यह तीनों चीजों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहला मेरा शब्द क्या है, लोकतंत्र, दूसरा क्या है सत्ता, और तीसरा क्या है साझेदारी। तो आप लोग सबसे पहले आप चैप्टर का नाम दे दीजिए, लेसन नंबर एक है पॉलिटिकल साइंस का, लेसन नंबर एक, और उसमें जो जो चीज हम बारी बारी से बताते जाते हैं, समझाते जाते हैं, उस सारी चीजों को नोट करते चलिएगा। तो ये तीनों शब्द को हम लोग समझते हैं, लोकतंत्र, सत्ता और साझेदारी। यह तीनों होता है तो वह क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकतंत्र को। लोकतंत्र बारी बारी से तीनों शब्द को हम लोग देखेंगे, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र होता क्या है, देखने से ही पता चल रहा है, दो शब्द बना, एक लोक और दूसरा तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी क्लियर हो गया। जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो यह तो गया समझने के लिए। देखें कि लोकतंत्र कैसे बना, कहां से आया।